अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी होंडा एस पी बी एस सिक्स 2021 मॉडल क्यों बेहतर है आपकी टी वी एस रेडर से, तो लगभग 6 से 7 ऐसे पॉइंट आज आपको हम इस वीडियो में बताने वाले हैं जो कि आपको टी वी एस रेडर मिसिंग दिखेगा, जो कि टी वी एस रेडर में आपको खराब देखने को मिलेगा होंडा एस पी कंपेरिजन में या देखने को ही नहीं मिलेगा। तो आज आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। चैनल पर जो लोग भी हमारे पहली बार आ रहे हैं चैनल को हमारे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि उनसे किसी भी तरह के बाइक और स्कूटी अपडेट मिस ना हो जाए। रोजाना आप सभी के लिए हम लेटेस्ट कंटेंट कवर करते हैं और आप सभी को अप टू डेट रखते हैं। चलिए फिर इस वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लें क्या कुछ आपको इसे बेहतर देखने को मिल जाता है। अगर आप इसे टी वी एस रेडर से कंपेयर कर रहे हैं तो आप इसकी सीट देख सकते हैं। आपको जो यहाँ पे सीट में कुशनिंग देखने को मिलती है जो आपको यहाँ पर पूरा फ्लैट सीट अप्रॉक्सीमेटली देखने को मिलता है, वही अगर आप इसे टी वी एस रेडर से कंपेयर करेंगे टी वी एस रेडर में आपको स्प्लिट सीट देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं वहाँ कंफर्टेबल है, एडवाइस थोड़ी बहुत दिक्कत होगी, 3 लोग को बैठाना थोड़ा मुश्किल साबित हो सकता है, लेकिन आपको एस पी 125 में ऐसा कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। एस पी 125 में आप 3 लोग को बैठा के बहुत ईजिली और आराम से ड्राइव कर सकेंगे, जो कि पहला प्लस पॉइंट इस गाड़ी साथ निकल के आता है, जो कि इसका स्प्लिट सीट वाला कोई ऑप्शन नहीं है। आपको यहाँ पर पूरा जो सीट है वो फ्लैट देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छी बात रहती है एस पी 125 की। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करें, जो हमारा सेकंड पॉइंट रहने वाला है वो रहने वाला आपको गाड़ी में किक ऑफर की जाती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आपको यहाँ पर किक देखने को मिल जाती है, बहुत अच्छी बात है आपको यहाँ पर किक ऑफर किया गया है। लेकिन यही अगर टी वी एस रेडर में देखेंगे तो टी वी एस रेडर में आपको किक रिमूव कर दिया गया है, बस आपको वहाँ पर सेल्फ स्टार्ट देखने को मिलता है। तो उसके ओवर में अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको एस पी 125 में एक बड़ा एडवांटेज देखने को मिल जाता है कि आपको इस गाड़ी में अब किक स्टार्ट भी मिलता है, तो कोई ऐसे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी पड़ेगी आपको कि अगर मान लीजिए इन केस कभी सेल्फ खराब हो गया तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, आप एस पी 125 में किक के थ्रू भी स्टार्ट कर लेंगे, लेकिन वहाँ पर आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, जो कि हमारा इस सेगमेंट का दूसरा पॉइंट बड़ा पॉइंट रहने वाला है, जो कि आपको यहाँ पर किक देखने को मिलता है। उसके बाद थर्ड पॉइंट की बात करें तो गाड़ी की प्राइसिंग, अगर आप प्राइसिंग कंपेयर करेंगे तो लगभग जो उसकी टॉप एंड वेरिएंट है टी वी एस रेडर की 1,06,000-1,07,000 के आसपास आ रही है। वहीं पर अगर आप एसपी देख लेंगे तो एसपी की जो टॉप एंड वेरिएंट है 1,01,000-1,02,000 के आसपास आ रही है। तो कहीं ना कहीं 4,000 रुपये तक का प्राइस डिफरेंस आपको इस गाड़ी में देखने को मिल जा रहा है, जो कि एक बड़ा प्राइस डिफरेंस आपको इन दोनों बाइकों में देखने को मिल जाता है। तो अगर आपके लिए प्राइसिंग भी मैटर करता है तो बिल्कुल आप लोग टी वी एस रेडर की जगह एसपी 125 को चूज़ कर सकते हैं, जो कि हमारा इस सेगमेंट का तीसरा पॉइंट रहने वाला है। उसके बाद चौथे पॉइंट की तरफ मूव करें, चौथे पॉइंट की बात कर लें, चौथा पॉइंट क्या रहने वाला है इस गाड़ी के बारे में, तो इस गाड़ी की माइलेज कहीं ना कहीं आपको बेहतर माइलेज निकाल के देगी, क्योंकि जो उसके टायर साइज है थोड़े आपको पतले देखने को मिल जाते हैं, थोड़े बड़े देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको 18 इंचेस वाले यूज़ किए गए, आपको टी वी एस रेडर में 17 इंचेस देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ जो इसका बैक का टायर है वो सेम रखा गया 80x100, लेकिन वहाँ पर आपको 100x90 थोड़ा मोटा टायर देखने को मिलता है, ताकि रोड पर आपको अच्छी स्टेबिलिटी अच्छी ग्रिप देखने को मिले। लेकिन वहीं पर अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको एस पी 125 थोड़ा बहुत बेहतर माइलेज बिल्कुल निकाल के देने वाली है। ये हमारा चौथा पॉइंट रहने वाला है जिसके लिए आप एस पी 125 को बिल्कुल कंसीडर कर सकते हैं। उसके पांचवें पॉइंट की तरफ मूव करें, पांचवें पॉइंट की बात करें क्या कुछ आपको देखने को मिल जाता है। साइलेंट स्टार्ट फीचर, ESP टेक्नोलॉजी इनहेंस स्मार्ट पावर, जो कि एक साइलेंट स्टार्ट फीचर है जिसकी मदद से गाड़ी बहुत ही साइलेंट और बहुत ही स्मूथली स्टार्ट हो जाती है, जो कहीं ना कहीं आपके होंडा एसपी में ये चीज़ मिसिंग रहती है। अगर आप होंडा एसपी देखेंगे तो होंडा एसपी में आपको ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो एक बड़ा प्लस पॉइंट इस गाड़ी के साथ ये निकल के आता है कि आपको यहाँ पे साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिलता है, जिसकी मदद से आप गाड़ी को बहुत ही साइलेंटली और बहुत ही स्मूथली स्टार्ट कर सकेंगे, जो कि एक बड़ा प्लस पॉइंट है एस पी 125 के साथ। तो ये एक अच्छी बात है इस गाड़ी में कि आपको साइलेंट स्टार्ट फीचर देखने को मिलता है, जो कि बहुत ही इंजन को साइलेंटली स्टार्ट कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट की बात करें तो इस गाड़ी में आपको इंजन किल डेडिकेटेड देखने को मिलता है, मतलब वहाँ पे एक टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है जो इको और पावर मोड वाली। तो अगर आप इको मोड अपनी गाड़ी को रखेंगे वहाँ पे क्लच प्रेस करेंगे तभी आपका इंजन किल का काम करेगा। बाकी आपको यहाँ एस पी 125 में एक डेडिकेटेड स्विच देखने को मिल जाता है, आपको एक अलग से स्विच देखने को मिल जाता है जिसकी मदद से आप गाड़ी को ऑन ऑफ कर सकेंगे बहुत ही आसान से। तो ये कन्वीनियंट फीचर हो जाता है जो कि आपको एस पी 125 में ऑफर किया जाता है। तो लगभग यही 6 से 7 पॉइंट रहने वाले हैं जो आज के डेट में भी एस पी 125 को बेटर बनाते हैं, अगर आप इसे कंपेयर करेंगे आपकी टी वी एस रेडर से। बाकी एस पी का थोड़ा इंजन जो है वो थोड़ा साइलेंट और स्मूथ है अगर आप कंपेयर करें इसको डायरेक्टली टी वी एस रेडर से। तो अगर आपके लिए ये पॉइंट मैटर करता है तो बिल्कुल आप लोग एस पी 125 को आज के डेट में भी कंसिडर कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा बहुत माइलेज थोड़ा बहुत उसके साथ ही प्राइसिंग में भी कम आपको देखने को मिल जाती है, बाकी किक इसमें देखने को मिल जाता है, तो कोई वैसी शिकायत महसूस नहीं होगी। तो होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर जाएँ ताकि आगे भी मैं आप सभी के लिए और वैसी वीडियो लेके आता रहूँ। अगर आप सभी के मन में कोई भी क्वेश्चन हो कोई भी क्वेरी हो तो आप लोग जरूर कमेंट सेक्शन में पूछेगा। बाकी एसपी की एक और अच्छी बात है कि आपको जैसे मैंने बताया था इसको जो सीट वहाँ पे स्प्लिट को कोई ऑप्शन देखने नहीं मिलता, तो सीट टोटली जॉइंट है तो आप कंफर्टेबल है, गाड़ी से बहुत ईजी निकाल सकते हैं, बहुत आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि वहाँ आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है। और साथ ही साथ जो उसका सीट है टी वी एस रेडर का पीछे थोड़ा उठा हुआ है, तो ये चीज़ ऐसा आपको यहाँ पे कोई भी शिकायत नहीं मिलेगी। सीट जो इसका फ्लैट रखा गया है ताकि आप कंफर्टेबल राइड कर सकें। तो होप करता हूँ वीडियो आप सभी को अच्छा लगा, लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।